हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, सब बच्चे जो हैं उठ के जग के फ्रेश हो गए और रेडी हो गए हैं। और फिलहाल हम जाएंगे सबसे पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल पे। यहाँ से थोड़ी दूर है, रात में स्टे किया था यहाँ पर। और बच्चे जो हैं एकदम रेडी, काफ़ी देर के हो रहे हैं। लेकिन समस्या यहाँ पे एक है, ये देखो वीडियो काफ़ी टाइम की लगा रखी है, नेटवर्क है नहीं। और ये जो होटल है ये वाईफाई वाला नहीं है। रात में हमने इमरजेंसी में ढूंढा था, ये ढूंढा क्या था, मिल गया था 1 बजे, तो हमने यहीं पे स्टे कर लिया था। और यहाँ पे ऐसी फैसिलिटी कोई है नहीं, तो मोबाइल के डेटा से अपलोड कर रहे हैं और काफ़ी टाइम लग रहा है। और ये जैसे ही हो जाए इसे लगा के और फिर हम चलेंगे कृष्ण जन्मभूमि स्थान वाले मंदिर पे। हैं भाई, जैसे कि बच्चे रात इतनी लेट तक सोए थे, फिर भी उन्होंने जल्दी उठ लिए और एकदम बढ़िया से नहा धो के तैयार हैं। और माँ भी देखो बच्चे में सारे। हाँ भाई, भूख तो नहीं लग रही कोई से? नहीं, भूख नहीं है कोई से वो अभी नहीं। और वैसे भी माँ बोल रही थी आज मैं इसकी हिम्मत मान रही, ये सुबह सुबह चाय पी लेती है, बहुत सवेरे से ही पी के फिर सो जाती है। आज इसने चाय नहीं मांगी, बस केला खा लिया। एक ही बात होगी। हाँ, चाय नहीं पी रही। चाय नहीं पीनी, एक केला खा लिया, एक केला खा लिया इसने। तो अभी जो है दर्शन करके आएंगे और उसके बाद इनको नाश्ता कराएंगे। तो चलो जी अभी चलते हैं। कितना टाइम बता रहा है इसमें? बस थोड़े से, 6 मिनट है बस, थोड़ी सी यही हम लोगों को वेट हो रही कि ये हमारी वीडियो जो है अपलोड हो जाए। आप लोग भी इंतजार करते रहते और ये अपनी सेल्फी लेती रहे टाइम, जो भी कुछ मिल जाए, कार्ड वगैरह कुछ भी मिल जाओ, इसे सेल्फी ले नहीं सकते। बस अभी नहा के सारे बैग मैंने अच्छे से पैक कर दिए, जितने भी गिल्ले और गंदे कपड़े थे वो अलग पॉलिथीन में लगा दिए, और बाकी जो धुले हुए प्रेस करे हुए कपड़े हैं वो हमारे इन बैग में हैं, और जो निकलते रहेंगे वो एक साइड में सीट के नीचे दबाते रहेंगे। रात हमने होटल के कई सारे रूम ढूंढे लेकिन मिल नहीं पा रहे थे। हम लोग जो हैं बार बार फ़ोन कॉल भी कर रहे थे, जो बोर्ड पे ऊपर नंबर लिखा रहता है ना, लेकिन किसी ने फ़ोन रिसीव नहीं किया हमारा। तो फिर हमें ये जो है ये वाला रूम ही लेना पड़ा, क्योंकि हमें रेस्ट करना था। काफ़ी देर से हम लोग चले हुए थे दोपहर के टाइम से, और बच्चों का साथ होता है तो उन्हें भी थोड़ा सा आराम की ज़रूरत पड़ती है। देखो घर में तो कितने भी खेलते रहे लोग, वैसे इतना बुरा भी नहीं है ये रूम, जो टाइम पर मिल जाए वो अच्छा ही होता है। और इन्होंने जो है रात के 1-1.5 बजे जो है हमें रूम अवेलेबल कराया, वो इनका शुक्रिया था, हमें मानना चाहिए, क्योंकि बिस्तरे वगैरह भी ठीक थे। एक बेड ये है, एक वो है पास में, और इधर ये विंडो ये थोड़ी सी खोल ली जिससे कि वाईफाई यहाँ तक पहुँच सके। तो फिलहाल भाई सब है रेडी, हम भी और बालक भी बैग पैक कर दिए, आके बस लगाने रहेंगे। और अभी बज गए कितने, 9:30 बजे यहाँ से चल रहे भाई हम श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान पर। तो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे का नाम लेके चलो भाई यात्रा शुरू करते हैं। तो भाई बच्चे जूते और पहन रहे हैं, और जूते उत्ते पहन के चलेंगे, और सब रेडी हैं। धूप थोड़ी सी निकल गई है, यहीं पे था हमारा स्टे यहाँ पे होटल में, तो ज़्यादा दूर नहीं था। और ये लगाया बोर्ड श्री कृष्ण जन्म स्थान का, और यहाँ से चलेंगे अंदर। थोड़ी दूर पैदल चलना होगा, और गाड़ी यहीं पर रहेगी और एक आदमी हमारा यहीं पर रहेगा, और हम लेके चलते हैं बच्चों को दर्शन करा के लाते हैं भाई श्री कृष्ण जन्म स्थान के। फिलहाल चलती है जन्मभूमि स्थान की तरफ, और थोड़ी सी दूर है यहाँ से पैदल का रास्ता, और ये तय करेंगे। बच्चे फुल एनर्जी लिए हुए हैं, क्योंकि रात में इन्होंने अच्छी तरीके से बढ़िया तरीके से आराम भी कर लिया है। नंदनी जो है वो थोड़ी सी है बेटे, बंदर तो तुम अपने यहाँ भी देखते हो, बाकी इसके अलावा कोई चीजें देख लो। बस तू खाओगे केले? तो भाई ज्यादा भीड़ भाड़ तो है नहीं, अब इतना रस नहीं है, और बच्चे जो है एकदम पैदल यात्रा के लिए तैयार हैं। इन्हें पहले ही समझा दिया गया है भाई यहाँ पे कुछ मंदिरों में ना पैदल ही घूमा जाएगा, और इस चीज की अपेक्षा आप मत करें कि आप जो है हर जगह गाड़ी में ही घूमेंगे। और नंदनी माँ का हाथ पकड़े हुए, और हम बस थोड़ी सी दूर हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान से भाई। यहाँ पे सब सामान अभी जमा हो जाएगा, और यहाँ पे होगी चेकिंग, उसके बाद होगी एंट्री, और आरुष को लेके मैं जाऊँगा। एक तरफ लेडी सेक्शन है, एक हम आप मेरे साथ जाओगे? ठीक है आरुष, तो मेरे साथ चलिए भाई। तो भाई कृष्ण जन्मभूमि के स्थान पे हम घूम लिए, दर्शन कर लिए, बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया और माँ ने भी। है माँ, सब जगह दर्शन कर लिए? बहुत अच्छा लगा। तो ये जो कृष्ण जन्मभूमि है यहाँ पे जितना भी परिसर है सारे में घूमे अच्छे से, और हम यहाँ दूसरी बार आए थे, और
माँ और ये बच्चे, ये सब पहली बार आए हैं। और जब हम पहली बार आए थे तो हमें 10 साल हो गए हैं, तब ये नहीं थे। चिंकी 1.5 साल की थी, लेकिन हाइट उसकी इतनी थी। अच्छा, इसकी 3 साल की कितनी है, उसकी 1.5 साल की कितनी थी। तो भाई सब बहुत अच्छे से हो गए, और फोन तो आपको पता ही है, अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। तो चलो जी, यहीं पे काउंटर बने हुए हैं भाई, यहीं पे सामान घर है, क्लोक रूम, यहीं पे सब रखा गया था, मोबाइल पर्स इत्यादि। और मैं तो सोच रहा था बेल्ट पर्स भी रखे जाएंगे, पर वो नहीं रखे गए। बेल्ट पर्स ले जा सकते थे पैसे वैसे अपने, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं थी। और आरुषि और आरुष ने एक गुफा में जो है घुस के बहुत ऐसा काम भी किया, उत्पात मचाया थोड़ा सा वहाँ। तो ये स्थान हमारी विजिट का पहला स्थान था जिसमें हमने दर्शन कर लिए हैं। पूरे परिसर में जन्मभूमि स्थान के अलावा जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो देख लिया। इन बच्चों का मूड फ्रेश करने के लिए अननेसेसरी भले ही, लेकिन ख़रीदारी कुछ तो करनी पड़ेगी, इनके खेल खिलौने दिलवाने पड़ेंगे। मैंने एक मुंह का बज्जा दिलवाया है ना, वो मुंह से बजाया जो उसमें इनका काम नहीं चला। और वो देखो इन बच्चों को पीछे हटाओ पहले, तो देखो कहाँ घुस रहे हैं वहाँ। ये मिल गए, उसके छल्ले दिलवा दे, कहाँ है हैं? ये हो गए इनके पॉपिट एंड पर्स। ये कॉम्बो पैक है, दिखाइयो, पॉपिट भी हैं इसमें और ये पर्स भी हो गए। तो ये हो गए इनके कॉम्बो पैक। कलर क्या, कौन सा कलर चाहिए सर? कलर भी चॉइस रहेगा क्या? देखो भाई, मैंने तो ये दिलवाए थे, फिर भी दुकान पे आ गए। पापा जी, इनमें इनका काम नहीं चला है। हाँ, इससे भी अलग चाहिए ना कुछ। हाँ बताओ भाई, इधर आओ। हाँ इधर ही आ रहा मैं, तो बताओ कौन से कलर से, कौन से कलर से? किचन वाले बेलनी, बेलनी। अरे वे कलर तो वहीं से ले लेंगे, खराब हो जाएंगे बेटा वहाँ तक, वे तो मिल जाते हैं वहीं पे। आपने दिखाइए पर्स कैसे लिया, ठीक है, पसंद है आपकी? और आपका, आपका दिखाइए। हाँ भाई, इसका भी पसंद है, ये ले लिया है इन्होंने अपने पर्स गले में टांगने के लिए। और उसकी चल रही है फरमाइश, वो क्या लगेगा भाई, क्या पसंद आया उसे? मिला नहीं। नंदनी और आरुषि सेटिस्फाइड हो गई अपना अपना सामान लेके। एक एक तो उन्होंने पर्स लिया, उसमें पॉपिट भी है, वो ऐसे ही है रबड़ टाइप से का। और भाई इन्हें एक एक दिवा दी मैंने, वो क्या बोल लग रहा है, मुँह से ऐसे बजाए ऐसे खींच के। हाँ हाँ, नाम मुझे पता नहीं इसका, नटराज तो कंपनी थी। ये नटराज थोड़ा ही है। तो भाई और उसकी पसंद का कुछ मिला नहीं है इसे, यो इसे पसंद करने में बहुत देर लगती है। इसे चाहिए थे छल्ले, छल्ले जो चाबी वाले होते हैं। और भाई आगे दुकान आएगी, वहाँ पे देखेंगे कि तेरी चॉइस मिल सकती है या नहीं। और इसे दिखाए तो बहुत, लेकिन इसकी पसंद नहीं आई और इसीलिए नाराज चल रहा थोड़ा। अरे भूख लग रही तुझे, नाराजगी वाराजगी तो मैं समझ रहा हूँ। 11:30 बजने वाले हैं और पेट पूजा का भी टाइम होने ही वाला है। हाँ बेटा, अगले वाले सीट पे। अच्छा, मैं उस टेबल पे बैठ जाऊँ और ये इस टेबल पे बैठेगी। बैठो, हाँ खाना आ जाएगा, बैठो आप, खाना भी आ जाएगा, खाया भी जाएगा, सब चीज़ें हो जाएंगी। हाँ अच्छा, वहाँ बैठ जाऊँ? इधर माँ बैठ गई है, मैं वहाँ बैठ जाऊँ? बेटा एक टेबल पर कई सारे बैठ सकते हैं यहाँ है? चलो लग जाने दो खाना, में बैठ जाऊंगा आराम से, आप बैठो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो भाई यहाँ से चल दिया है, खान पान हो गया और ओज में इनके पड़ गया है थोड़ा थोड़ा सा, और मेरे भी। तो अब जो है यहाँ से हमारी यात्रा आगे रवाना होगी वृंदावन की तरफ। और ये यहाँ बैठे बैठे डिसाइड करेंगे कि भाई सबसे पहले कौन से स्थान पर जाना है, अभी देख लेंगे जो रास्ते में पड़ेगा या जो सबसे नज़दीक होगा। यथावत उसी जगह सेट हो गई हैं जहाँ बैठ बैठ के आए थे। तो अब थोड़ी सी एनर्जी भी आ गई है, क्योंकि सुबह से चाय पानी नहीं पिया था भाई, ऐसे ही भूखे पेट ही भगवान का भजन करने के लिए चले गए थे जन्म स्थान पर। तो चलो भाई अब सर्च करते हैं उस जगह जहाँ हमें जाना है सबसे पहले।
अभी हम जाएंगे सबसे पहले बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। और हमने ले लिया है यहाँ से, पार्किंग में छोड़ दी गाड़ी और यहाँ से ले ली हमने ई रिक्शा, और अब इन्हें ई रिक्शा की सवारी करवाएंगे, ठीक है ना। पहली बार रिक्शा में बैठा? अच्छा जी, अच्छा। और ये नंदू मेरे पास में है और इनके पापा आ गए हैं। अच्छा जी, ये देखो भाई, ये जो ले रहे ना मोर, मोर लगा रहे गालों पे माथे पे, भाई इन्होंने तो यहाँ लूट मचा रखी। एक बार ऐसा चुंबक सी लगा दे और पैसे लिए बिना ना मानते भाई, और 8-10 चिपट गए थे अभी। अरे मगर ना बच्चों को तो पकड़ दो, सारों का लगा दी और फिर 8-10 जने आ गए। देख कुआरू सी कैसी लग रही, राधे राधे नंदनी, राधे राधे, है ना। मन्ना ऐसा रिएक्शन तो आपका पहली बार देखा। जैसे जैसे हम लोग बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते जा रहे थे, भीड़ भी बढ़ती जा रही थी क्योंकि गलियां छोटी हो जाती हैं, मार्केट ज़्यादा बड़ा है और दुकानें बहुत सारी हैं, और पीछे से आवाज़ आ रही थी बार बार, जल्दी जल्दी जाइए नहीं तो बंद हो जाएगा मंदिर। और हम लोग जो हैं तेज़ी तेज़ी से भी चला रहे थे बच्चों को, लेकिन बच्चे हैं ऐसे ही चलेंगे धीमी गति से। और जहाँ तक रिक्शा में आना होता है हम लोग वहाँ तक आए, वहाँ से भी काफ़ी लंबा हम लोगों को चलना था बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो मार्केट भी यहाँ का एक्सप्लोर कर लेंगे थोड़ा सा आते टाइम, और कुछ सामान ले लेंगे बच्चों की पसंद का जो इन्हें पसंद आएगा। और चिंकी ने तो मुझे बोल रखा है कि मम्मी अपने कान्हा जी के लिए भी वहाँ से ड्रेस लेके आना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस हैं मैं देख रही हूँ कान्हा जी की, और बर्तन भी बहुत सुंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब उनके मतलब का ही है यहाँ पर। और हम लोग बोल रहे थे जब उन्हें दर्शन देने होंगे तो दे देंगे, उनके आदेश से हम लोग आए हैं। तो चलिए जी अभी दर्शन कर लेते हैं और आपसे मिलते हैं अपने कल एक और नेक्स्ट ब्लॉग में, यूपी ब्लॉगर बबली पर। तब तक के लिए बाय बाय सबको, हमारी राम राम।